मेरे सारे काम को अगर आप मिला लोगे तो ये उससे फनी कम हो सकता है बट राइटिंग इवॉल्व ज़्यादा है। क्या इसको अपने क्राफ्ट पे, अपनी राइटिंग पे और काम करने की ज़रूरत है? किसको? स्टैंड अप कॉमेडी इन द बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं किसी ने, अभी तो इसलिए वायरल हुआ है सब कुछ क्योंकि पहली बार आया था। सर जी मैं नहीं कहना चाहता, आप ही कह रहे हो, मैं अपने मुंह से। हाँ हाँ नहीं, मैं बता रहा ना आपको, ये सब इसलिए चला है क्योंकि पहली बार एक डिफरेंट चीज़ आई थी, ये सब इसलिए चली। अभी तो कुछ किसी ने अभी तो पता ही नहीं है क्या क्या। अभी तो हम यही, पहले हमें इस बात पर इवॉल्व होना पड़ेगा किस लिमिट तक कह सकते हैं, क्या टॉपिक उठाया जा सकता है, इंसान किस तरह से और कितने, कितना उसका दायरा होगा उस बात को करने का कि इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे नीचे रहना है, जाना है तो किस पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस में जाना है, किधर नहीं जाना है। शो ऐसा लिख दिया है कि शो 25-35 के एज ग्रुप को टिकट बेचनी है, अदरवाइज ऑफेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। हर चीज़ सीखनी है, हर चीज़ करनी पड़ेगी अभी तो स्टैंड अप में तो अभी कुछ भी नहीं लिखा किसी ने, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लिखना पड़ेगा। शायद हमसे 10-15 साल बाद लोग आएंगे जो एक्चुअली अच्छा लिखेंगे, तब पता चलेगा कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं लिखा था। है तब तक हो सकता है हम बहुत अच्छा लिख दें तो हम ही बता दें कि हमने उस टाइम बहुत गंदा लिखा था। तो वो है, जैसे जो मेरा अभी जो शो मैं करता हूँ, इट्स मतलब मेरे सारे काम को अगर आप मिला लोगे तो ये उससे फनी कम हो सकता है बट राइटिंग इवॉल्व ज़्यादा है। कुछ लोगों को फनी ज़्यादा लग सकता है, कुछ डिफरेंस, बट उससे बेटर लिखने की कोशिश करी मैंने इसको। ऐसे तो मैं धीरे धीरे बेटर ही करता जाऊँगा। अब जो मेरा बेटर है, जो मेरा दुनिया की नज़रों में आज बेस्ट हो सकता है, वो 15 साल बाद मैं ही बोल दूंगा कि ये इतनी ख़राब बात करनी नहीं चाहिए थी, ये जोक बहुत अच्छा हो सकता था, ये कुछ नहीं। तो मैं तो मानता हूँ अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, कुछ भी नहीं लिखा हमने।